दसूए दे विच जिहड़ा म्याणी पुल है, उस म्याणी पुल उतरदे सार ही उत्थे तुहानूं मैं एक 12.5 मरले दे विच 225 वाला मरला एक तुहानूं प्रॉपर्टी दिखाउणा है। डुपलैक्स है, 4 BHK है। तरीके का फंक्शन या कोई किसी तरीके की कोई घर की कोई मीटिंग या कोई ऑर्गेनाइज कर सकते हो, गड्डियां पार्क कर सकते हो। ये नाल जिहड़ा सर्वेंट का रूम जिहड़ा नाल दिता गया है, और ड्राइंग रूम भी लगभग 16x20x की डायमेंशन का जिहड़ा ये ड्राइंग रूम है, और काफ़ी वाइड जिहड़े इत्थे विंडो दिते गए है। बाहर का जिहड़ा सीन सारा दिखाई दिंदा, काफ़ी स्पेसियस जिहड़ा लिविंग कम डाइनिंग एरिया है। और बकायदा दी जिहड़ी डाउन सीलिंग सारे जिहड़े मकान की तुसीं फस्ट फ्लोर ते भी दे सकते हो। सारा जिहड़ा मॉड्यूलर किचन का सारा इत्थे काम होया, वधिया सॉफ्ट क्लोजर दे नाल सारा सिस्टम इत्थे ऑर्गेनाइज किया गया। 19x14 की डायमेंशन का जिहड़ा ये रूम होगा, काफ़ी स्पेसियस जिहड़ा रूम इत्थे प्रोवाइड कराया गया है। नाल ही विंडो दी गई है 21x6 की डायमेंशन का, काफ़ी स्पेसियस तुसीं देख सकते हो। जिहड़ा इत्थे वॉशरूम प्रोवाइड कराया गया इस अटैच जिहड़ा। हाय दोस्तों, मैं दीपक राणा, डीके प्रॉपर्टी एंड कंस्ट्रक्शन के चैनल पर तुहाडे नाल रूबरू हूँ। अज मैं तुहानूं दसूए दे विच लै के आया। दसूए दे विच जिहड़ा म्याणी पुल है, उस म्याणी पुल उतरदे सार ही उत्थे तुहानूं मैं एक 12.5 मरले दे विच 225 वाला मरला एक तुहानूं प्रॉपर्टी दिखाउणा है। डुपलैक्स है, 4 BHK है। 61.5 फुट का जिहड़ा इहदा फ्रंट है वाइड है, और लगभग 67.5 जिहड़ा ये डीप है, बैक साइड नूं जिहड़ा इहदा डेप्थ पैंदी है। और मैं तुहानूं अंदर का जिहड़ा प्रॉपर्टी का व्यू दिखावां। आ तुसीं देख सकते हो एंटर करदे ही काफ़ी वाइड जिहड़ा एरिया फ्रंट के विच दिता गया, मेन डोर जिहड़ा दिता गया, मेन गेट इस प्रॉपर्टी का दिता गया। पार्किंग वास्ते स्पेस दिती गई इस साइड नूं, और आउटसाइड तो जिहड़ी स्टेयर फस्ट फ्लोर वास्ते दिती गई है, और मकान के अंदर तो भी जिहड़ी फस्ट फ्लोर वास्ते जिहड़ी स्टेयर दिती गई है। इस साइड नूं भी देख सकते हो काफ़ी जिहड़ा वाइड एरिया दिता गया। किसी भी तरीके का फंक्शन या कोई किसी तरीके की कोई घर की कोई मीटिंग या कोई ऑर्गेनाइज कर सकते हो, गड्डियां पार्क कर सकते हो। ये नाल जिहड़ा सर्वेंट का रूम जिहड़ा नाल दिता गया है, आ सर्वेंट का रूम है। नाल दे छोटी जी किचन दिती है, और नाल दे वॉशरूम दिता है। आ जिहड़ा मेन एंट्रेंस जिहड़ी तुसीं देख सकते हो इत्थों दिती गई है, मैश का सारा काम किया गया, आ सारा लकड़ का काम होया, पॉलिश वगैरह तुसीं देख सकते हो। प्रॉपर डबल डोर जिहड़े दिते गए, डबल जिहड़े दरवाजे है अंदर खोलन वास्ते, नाल डिजाइनिंग जिहड़ा एंटर करदे तुसीं देख सकते हो। इधर जिहड़ा ड्राइंग रूम दिता गया, और ड्राइंग रूम भी लगभग 16x20x की डायमेंशन का जिहड़ा ये ड्राइंग रूम है, और काफ़ी वाइड जिहड़े इत्थे विंडो दिते गए है। बाहर का जिहड़ा सीन सारा दिखाई दिंदा है, और तुसीं आ एंटर करदे आर्च टाइप जिहड़ा इत्थे डिजाइनिंग दिती गई है। उस दे नाल एक कॉमन वॉशरूम जिहड़ा इत्थे प्रोवाइड कराया गया। वैनिटी नाल दिती गई है। लिविंग कम डाइनिंग एरिया तुसीं देख सकते हो, काफ़ी स्पेसियस जिहड़ा लिविंग कम डाइनिंग एरिया है। और बकायदा दी जिहड़ी डाउन सीलिंग सारे जिहड़े मकान की तुसीं फस्ट फ्लोर ते भी देख सकते हो। लाइटिंग का सारा इत्थे अरेंज किया गया, और ओपन टाइप जिहड़ी इह किचन भी काफ़ी वाइड, लगभग 13x18 की डायमेंशन की जिहड़ी किचन है। सारा जिहड़ा मॉड्यूलर किचन का सारा इत्थे काम होया, वधिया सॉफ्ट क्लोजर के नाल सारा सिस्टम इत्थे ऑर्गेनाइज किया गया। कैटलरी वास्ते तुसीं देख सकते हो जिहड़ा बहुत वधिया जिहड़ी इत्थे जिहड़ा काम जिहड़ा किचन का होया। विंडो प्रॉपर इत्थे दित्तियां गईआं एज इट इज़, जिहड़ा इत्थे चिमनी का जिहड़ा प्रबंध इत्थे किया गया। आ किचन तुसीं देख सकते हो विंडो, और साउंड प्रूफ जिहड़ा इत्थे सिंक जिहड़ा प्रोवाइड कराया गया। नीचे भी जिहड़ी इत्थे प्रॉपर जिहड़ा काम किया गया किचन का सारा, आ सारा कपबोर्ड का वधिया काम होया। और आयरलैंड इत्थे गब्बे जिहड़ा एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, तो तुसीं देख सकते हो काफ़ी स्पेसियस जिहड़ी किचन है।
और आर्च का काम तुम देखियो लकड़ देखो कि लकड़ का यह काम सारा किया गया काफ़ी रॉयल लुक जरा इस मकान का है और इस जरा फस्ट फ्लोर वास्ते जी इतों एक नैक्सट एंट्री जी सैकेंड एंट्री दी गई है आ फस्ट बैडरूम तुम देख सकते हो काफ़ी वाइड काफ़ी स्पेसियस जरा बैडरूम है लगभग 17x12 की डायमेंशन का डाउन सीलिंग के नाल जरा यह बैडरूम प्रोवाइड कराया गया नाल जरा स्टोर काफ़ी वाइड स्टोर है ये भी लगभग 12x8x9 की डायमेंशन का जरा स्टोर जरा अंदर दिता गया फस्ट बैडरूम के नाल और नाल अटैच वॉशरूम काफ़ी वाइड है अटैच वॉशरूम इतने भी सारा काम उपर डाउन सीलिंग का सारा किया गया रूफ लेवल तक जरा टाइलिंग का सारा इतने काम किया गया वधिया वैनिटी का इतने जरा काम किया गया तुम देख सकते हो LED पैनल बहुत वधिया डिजाइनिंग दे कंसैप्ट दे नाल तुम देख सकते हो जरा लॉबी दे विच प्रोवाइड कराया गया लिविंग एरिया दे विच आ हैगा सैकेंड बैडरूम और सेम डायमेंशन लगभग 19x14 की डायमेंशन का जोड़ा यह रूम होगा काफ़ी स्पेसियस जोड़ा रूम इतने प्रोवाइड कराया गया नाल ही विंडो दी गई है आउटसाइड मकान दे जोड़ा काफ़ी स्पेस जी इतने आले दुआले घूमन वास्ते इतने दी गई है वेंटीलेशन वास्ते भी डाउन सीलिंग का इतने काम होया जी इतने नाले अटैच वॉशरूम दिता गया वो लगभग 21x6 की डायमेंशन का काफ़ी स्पेसियस तुम देख सकते हो जो इतने वॉशरूम प्रोवाइड कराया गया इस अटैच जरा अंडरस्टेयर जरा कपबोर्ड का काम करवाया गया बहुत प्यारा जरा काम इतने अंडरस्टेयर करवाया गया अंदर भी अलमीरा वगैरह दी गई है समान काफ़ी जरा अंडरस्टेयर रखा जा सकता प्रॉपर रेलिंग का काम वुडन की रेलिंग के नाल स्टील स्टेनलैस स्टील है और नाल ये जो पत्थर का काम डबल मोल्डिंग दिता गया बैक साइड में जरा OTS का एरिया काफ़ी स्पेस इतने दी गई है वेंटीलेशन वास्ते लाइटिंग वास्ते कपड़े कपड़े वॉश करने वास्ते किसी भी तरीके का समान वगैरह तुम इतने रख सकते हो इसी तरह दो बैडरूम जिहड़े फस्ट फ्लोर पर प्रोवाइड कराए गए प्लस एक किचन प्रोवाइड कराई गई रेंट आउट प्रॉपर्टी करनी हुई वास्ते बाहर तो मैं जरा एरिया फस्ट फ्लोर पर मैं तुम्हें दिखा देना अंदर तो भी जी स्टेयर तुम देख सकते हो फस्ट फ्लोर वास्ते जाती है पर आउटसाइड तो किसी कारणवश लॉक होने करके मैं बाहर की तरफ तो तुम्हें दिखाना बाहर तो जी स्टेयर दी गई है फस्ट फ्लोर पर आके तुम देख सकते हो एंटर करन नूं जिहड़ा है बाहरों दरवाजा दिता गया मैश का दरवाजा है इत्थे टू जिहड़े बैडरूम है इत्थे प्रोवाइड कराए गए अंदर और एक किचन टॉयलेट बाथरूम अटैच दिते गए हैं बाहर वाली साइड तुम एरिया देख सकते हो कितना किन्ना वाइड है स्टेयर्स से भी काफ़ी एरिया जिहड़ा इत्थे वाइड प्रोवाइड कराया गया आले दुआले घूमने वास्ते भी इतनी जी स्पेस लगभग 3-3.5 फुट की जी इतनी रखी गई है आ 4 BHK प्रॉपर्टी जी मियाणी रोड दसूहा उत्तर दे सारी जी तुम नज़दीक ये मिल जाऊगी बिल्कुल सिटी के प्रॉपर्टी है जोड़े मेरे वीर इंट्रस्टड थले दिते नंबर से मेरे कॉन्टैक्ट कर सकते नॉर्थ फेसिंग ये प्रॉपर्टी है प्रॉपर नवी सारी गली विच सीवरेज वगैरह का सारा काम ये होया है जोड़े मेरे वीर इंट्रस्टड है वो थले दिते नंबर से मेरे कॉन्टैक्ट कर किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी सेल करनी हो तो थले दिते नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वीडियो शेयर जरूर करो चैनल सबसक्राइब जरूर करो धन्यवाद जी।